बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, तो चलिए आइए अपनी रेसिपी झटपट से स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप बेसन फेंट लेंगे। मैं एक चुटकी अजवाइन डाल दूँगी, आधा टेबल स्पून ज़ीरा डाल देंगे, एक टी स्पून नमक डाल देंगे, एक चुटकी हल्दी डाल देंगे, एक टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, आधा अंडा डाल दूंगी फिटा हुआ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको फेंटते रहेंगे। इससे ज़्यादा पतला होगा तो फिर बेसन जो है वो हमारे ब्रेड पकौड़ों पे ठहरेगा नहीं। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। इसके साथ ही अपने आलू बॉईल कर लिए। ब्रेड पकोड़ा के लिए आलू बॉईल कर लिए थे। आज क्या बना दिया? आज मैं बना रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। बहुत मज़ेदार बनते हैं वो। ये देखें, ये हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए। अब मैं इसमें आधा टीस्पून नमक डाल दूँगी, हाफ टी स्पून काली मिर्च डाल दूँगी, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च डाल दूँगी, एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी वो डाल देंगे और 1 टीस्पून पिसी हरी मिर्च डाल देंगे। अब मैं 1/3 कप मोज़ेला चीज़ और चेटर चीज़ दोनों मैंने कद्दूकश कर लिए थे, दोनों डाल देंगे। चीज़ अगर है तो डाल लें, नहीं तो ये ऑप्शनल है, मत डालें। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पकौड़ा की फिलिंग हमारी तैयार है। अब इसको साइड पर कर देंगे, स्लाइस लेंगे, इसके किनारे जो है ये कट कर लेंगे। किनारे हमने इसे कट कर लिए हैं। अब हम इसको बीच में से हाफ कर लेंगे। ब्रेड पकौड़ा हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी कोटिंग कैसे करेंगे, उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। ये ब्रेड लेंगे एक अपनी, उसको अच्छी तरह पहले इसके किनारे पे लगाएंगे। अब इसको इस तरह करके अब इसको हम फ्राई कर लें। अब इसको ऑयल में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ब्रेड पकौड़ा हमारे फ्राई हो गए हैं, कितना अच्छा कलर आ गया अब इनके ऊपर। अब इनको निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पे। ब्रेड पकौड़ा हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी ब्रेड पकौड़ा है। ये देखें इनकी फिलिंग कितनी अच्छी है और सॉफ्ट है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा रेसिपी ट्राई करी तो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी।